यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में आने वाली फार्मासिस्ट की 4000 पोस्ट के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मस एकेडमी, दिस इज हिमांशु। काफी सारे पिछले कुछ दिनों से हम सोशल मीडिया पे ये देख पा रहे हैं कि यूपी में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आ रही है और एक नहीं दो नहीं पूरे 4000 पोस्ट पे आ रही है। ये वही नोटिफिकेशन है जो 2 साल पहले भी आप लोग देख चुके थे, उसी नोटिफिकेशन को वापस से घुमाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि 4000 वैकेंसी आने वाली। इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग जो हकीकत है, जो एक्चुअलिटी है, जो हर स्टूडेंट तक पहुंचनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि यूपी में जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आने वाले टाइम में आने वाली है, वो अभी तक आने ही वाली है। अभी तक इसका ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ये जस्ट आप वेबसाइट पे गूगल पे देख पा रहे हैं हाँ, या और उसके साथ साथ एक न्यूज़पेपर की कटिंग है कि भाई 4000 जो पोस्ट है वो फ्यूचर में आएगी। अब कब आएगी, कैसे आएगी, यहाँ इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। फिर थोड़े टाइम से ऐसा लग रहा था कि 2022 में तो इसके रिगार्डिंग वैकेंसी आने ही वाली है और आ ही जाएगी। उसके बाद में जब हम और डिटेल में रिसर्च करते हैं, अब बात आती है कि वैकेंसी कंडक्ट कौन कराएगा। तो ऑफिशियली, जैसे कि आप जानते हैं, हर राज्य में एक अधीनस्थ बोर्ड होता है जो कि वैकेंसी को कंडक्ट कराता है। फिर हमने और डिटेल में गए तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आने वाले टाइम में यानी कि 2022 में जितने भी यूपी का जो अधीनस्थ बोर्ड एग्जामिनेशन करवाने वाला है उसमें कहीं भी फार्मासिस्ट का जिक्र है ही नहीं। तो ये वैकेंसी कब आने वाली है भैया? तो इसके बारे में जो भी स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज हैं तो वो आप क्लियर हो जाएं कि अभी तक UPSSC यानी कि आपका अधीनस्थ बोर्ड है उसकी तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं जितने भी अधीनस्थ बोर्ड होते हैं वो आने वाले टाइम में, मतलब कि इस साल कौन कौन सी वैकेंसी, कौन कौन सी भर्ती हम कराने वाले हैं, उसके बारे में एक ऑफिशियल नोटिस आता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये नोटिफिकेशन में 2022 में जितने भी यूपी में वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में विथ डेट आप देख सकते हैं कि इस डेट को ये एग्जाम है, इस डेट को ये एग्जाम है, इसके हिसाब से ये वैकेंसी कंडक्ट होगी। और इसमें अगर हम फार्मासिस्ट का देखें तो कहीं भी नोटिफिकेशन नहीं है। चलिए, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कब ये वैकेंसी पूरी हो पाती है, क्योंकि ये वैकेंसी जो है बहुत ही भारी संख्या में है। क्योंकि आप जानते हैं, देखिए राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही मामला चल रहा है, 4000 पोस्टें आने वाली थी, वो आने ही वाली है, अभी भी उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। और हाँ, अगर फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन आता है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग तो आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचेगी। देखते रहिए ऐसे ही फार्मा रिगार्डिंग न्यूज़ अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर्स के लिए कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।